हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानसिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने इस चैनल के ऊपर एक यूएसए की इलीगल तरीके से एंट्री, जिसको हम डोंकी बोलते हैं, वो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिखाई थी। आप लोगों ने काफ़ी पसंद की, काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं मेरे को, और काफ़ी कुछ मैंने उसमें बताया था कि कैसे कैसे डोंकी लगती है और कैसे कैसे बंदा वहाँ पर जाने के बाद यूएसए में जब एंट्री करता है तो कैसे उसके साथ क्या घटना होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जर्मन की डोंकी के बारे में, और ये मिलती जुलती डोंकी है और थोड़ा बहुत फ़र्क है। मगर मैं कल एक न्यूज़ चैनल देख रहा था तो उसमें एक पर्सन ने जो जर्मन की डोंकी लगा के जर्मन में गया, उसने अपनी सारी कहानी बताई और बहुत दुख हुआ उसकी कहानी सुनकर भी लोग इस हद तक भी जा सकते हैं। और मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को बताऊं। वीडियो तो मैं उनकी भी शेयर कर सकता था अपने चैनल के ऊपर, बट वो पंजाबी लैंग्वेज में थी इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आती। मैं उसको कन्वर्ट करके आपको हिंदी में बताऊंगा। कुछ सेम टू सेम वीडियो तो नहीं बता पाऊँगा, मगर क्योंकि कुछ ऐसे तत्व बताऊँगा जिसको आप लोग समझना, और ऐसी कोई भी डोंकी वाली हरकत नहीं करना, इलीगल तरीके से किसी कंट्री के अंदर मत जाना जिससे आपका नुकसान तो हो तो आपके घर वालों का उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता लग सके, लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने पूरी कथा बताता हूँ, जाने के लिए जिसको हम बोलते हैं कि स्टोरी बताता हूँ कि मैं कल एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें एक पर्सन जो कि इंडिया से जर्मन में गया, डोंकी लगा के गया, इलीगल तरीके से एंट्री की वहाँ पर, काफ़ी टाइम पहले की बात उसने बताई थी न्यूज़ चैनल को, सारी कहानी उसने बताई कैसे कैसे वो लोग गए हैं, उनके साथ क्या क्या रास्ते में हुआ, क्या क्या उन्होंने कठिनाइयाँ झेली और क्या क्या चीज़ें देखी, वो सारी बात उन्होंने बताई। और वो सब झेलने के बाद, वो तकलीफ़ें झेलने के बाद वो लोग जर्मन में एंट्री कर गए और उसके बाद वो वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। बट कि अभी ये कहानी बहुत टाइम पहले की है और ये लोग काफ़ी साल पहले गए थे। अभी ऐसा काम आप लोग मत करना, क्योंकि हर बारी हर देश का कानून चेंज होता है और वहाँ पर इलीगल से जब एंट्री करोगे, खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए कि आप वापस घर पे अपने घर वालों को ना मिल सको और आपके घर वाले बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाए। तो उन पर्सन ने जो कहानी बताई थी कि वो कुछ लोगों के साथ इंडिया से चला जर्मन के लिए, एजेंट से मिला कि मेरे को जर्मन जाना है, पढ़ाई उनको नहीं आती थी, इतनी नॉलेज नहीं थी और कि वो लीगल तरीके से जा सकें, मगर उन्होंने जाना जर्मन था, वहाँ पर काम करने के लिए जाना था और घर की स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो लोग बाहर जाने का रुख अपना रहे थे। और उनके साथ काफ़ी लोग थे, 10-12 लोग और थे। एजेंट से बात हुई, एजेंट बोला कि आप लोगों को जर्मन में पहुँचाऊँगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मगर कोई भी एजेंट जो कि इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में एंट्री करवाता है, वो कभी भी आपको कोई भी चीज़ की सच्चाई नहीं बताएगा। तो यहाँ से रवाना किया, रूस में गए, मैक्सिको एक जो रूस का स्टेट है वहाँ पर उन्होंने लैंड किया, जो कि 2 घंटे का रास्ता, ये 2 या 2.5 या 3 घंटे का रास्ता है बाई एयर। तो वहाँ से काफ़ी दिन रहे, रहने के बाद वहाँ से उन्होंने पैदल चलना स्टार्ट किया। वहाँ के जो डोंकर हैं, जो उनको इलीगल तरीके से अपने स्टेट की या कंट्री की जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करवाते हैं, वो उनके साथ थे। उनका काम था कि रात के टाइम उनको चलवाते थे और वो लोग वहाँ से चलते थे, बर्फ़ में चले वो लोग। तो वहाँ पर जब बर्फ़ में चलते थे, उन लोगों की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। तो वहाँ से क्या है कि रूस का काफ़ी एरिया जो कि बर्फीला है, जो जर्मन की तरफ का जो रास्ता है इलीगल तरीके से जो पैदल लेके जाते हैं, तो वहाँ पर डोंकर उनको लेके गया, पैदल लेके गए। और उसके बाद क्या है कि काफ़ी लोगों के पैर भी वहाँ गल चुके थे, क्योंकि इसलिए गले क्योंकि जब जूता पहनकर वो लोग चलते थे तो
वहाँ पर क्या है कि उनके पैरों जूते में पसीना आता था और वो बर्फीले इलाके से निकलते थे, तो जैसे ही जूता खोलते थे उसके अंदर बर्फ़ जम जाती थी, वो जूते सूख भी नहीं पाते थे, तो उनको फिर चलना पड़ता था आगे। तो डॉक्टर उनको लेके जाते थे तो ऐसे ही उनके पैर अंदर से गलते रहे, काफ़ी लोगों के पैर भी ख़राब हो गए हैं उसमें। तो चलते चलते उन्होंने बताया कि हम काफ़ी आगे निकले और वहाँ पर बांग्लादेश की दो लेडीज़ भी थी, उनके साथ एक 7 साल की बच्ची भी थी। और जब वो आगे की तरफ होर निकले, मीन कि दिन में उन्होंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद झाड़ियों में रेस्ट किया, तो जैसे ही रात हुई तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप चलिए। उनके खाने के लिए कुछ नहीं देते थे वो लोग, सिर्फ एक दिन में 2 केले देते थे। खाना इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर खाना खाएंगे तो वो फ्रेश होने के लिए इधर उधर भागेंगे, जिससे कि वहाँ की जो पुलिस है उनको पता चल जाएगा, इसलिए डॉक्टर उनको खाने के लिए बिल्कुल नहीं देते थे। वो सुबह 1 केला या शाम को 1 केला ही देते थे, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वैसे ही रात के टाइम डॉक्टर उनको फेर लेके चलता था और उनको बोलता था जिस बंदे से चला नहीं जा रहा तो मैं उसको रास्ते में ही छोड़ दूंगा, तो इसलिए ना चाहते हुए वो बंदे चलते रहते थे। और उसके साथ जो बांग्लादेश की 2 लेडीज़ थी, उनके साथ जो एक 7 साल की छोटी बच्ची थी, तो उनको बड़ी परेशानी आ रही थी। और परेशानी इसलिए आ रही थी कि वो लोग बच्ची को लेकर नहीं चल पा रहे थे लेडीज़, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था जो उसने बताया, उबड़ खाबड़ रास्ता था, पथरीला रास्ता, जिसमें लेडीज़ को चलना बहुत मुश्किल होता है। जेंट्स तो चलो चल पड़ता है और साथ में 1-7 साल की बच्ची भी है, फिर उनका लेगेज भी है। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप अपनी बच्ची को यहाँ पर ही छोड़ दो जंगल में, भाई या तो हम लोग आपकी बच्ची को नहीं ले जा सकते, हम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो लेडीज़ की ममता वहाँ पर मर चुकी थी, उस लेडीज़ ने बोला कि ठीक है, अब मैं इस बच्ची को यहीं छोड़ देती हूँ, मेरी कुछ नहीं लगती है। तो एक माँ का दिल कैसे बोल पड़ा वहाँ पर कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ देती हूँ यहाँ पर, उसकी माँ, उसने अपने पेट से उसको जन्म दिया। तो उस आदमी ने वो सीन को देखा तो उसने बोला कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो इस बच्ची को हम लेके जाएंगे। उन्होंने अपने साथियों से बात की, बोला क्या पता इस बच्ची के भाग हमको पार निकलवा दे, और इस ऐसा किया तो भगवान हम लोगों को श्राप भी दे सकता है या कुछ भी। जो उनके मन के अंदर आई, उस बच्ची के प्रति प्यार आया, उन्होंने क्या बोला कि हम 10 आदमी हैं या 11 आदमी हैं, जितने भी आदमी थे, वो बारी बारी उस बच्ची को उठाएंगे कंधे पर और लेके चलेंगे। तो उन्होंने बच्ची को अपने कंधे पर उठाया और उसकी माँ ने एक बारी भी उस बच्ची की तरफ नहीं देखा और उसने ये नहीं बोला नहीं मेरी बच्ची को मेरे को वापस दे दो, मैं अपनी बच्ची को साथ में लेके जाऊँगी। तो ऐसा वहाँ पर इंसानियत मर जाती है जब कुछ ना कुछ को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला नहीं, इस बच्ची को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ऐसे ही हम लोगों ने छोड़ा तो इसको कोई जानवर खा जाएगा, ऐसे ही बेचारी यहाँ पर मर जाएगी। तो उसको वो कंधे पर बैठा कर लेके गए वहाँ पर, आगे ले जाते रहे आगे, फिर सेम टू सेम वैसे ही दिन होना, रात भर चलना, दिन होना दिन में झाड़ियों के अंदर उन्होंने उनको डाल देना, खाने के लिए वही केला देना या कुछ ऐसा शाम के टाइम सेब दे देना, रोटी खाने के लिए नहीं मिलती थी। तो ऐसे करते करते उनको काफ़ी दिन हो गए, चलते रहे आगे। उनको कुछ लुटेरे भी पड़े, उनकी घड़ियाँ ले ली, उनके पैसे ले लिए, उनका जो सामान था वो लेकर भागे। अभी उनके पास टाइम देखने के लिए कुछ भी नहीं था और वो लोग ना मोबाइल तक नहीं थे उनके पास कि अपने घर वालों से बात कर सके। तो इसी तरीके से कभी उनको बस में लेके जाते थे वो लोग, कभी उनको ट्रकों में लोड करके लेके जाते थे, कभी किसी में लोड करके लेके जाते थे, कभी उनको होर पैदल जाएंगे। मैक्सिमम उसने बोला कि हम लोग सबसे ज़्यादा पैदल ही चले हैं, हमको बस ट्रक ये जो भी होर साधन मिलता था वो बहुत कम मिला हम लोगों को। तो ऐसे करते करते बच्ची के साथ जाते जाते वो लोग की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि उनके जो बगले होती हैं, ये वाली बगले जो होती हैं, उसमें फोड़े हो गए थे, शरीर के अंदर फोड़े हो गए थे। उन ये हो गया था कि हम लोग जर्मन नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग शायद यहीं कहीं रास्ते में मर जाएंगे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। उनको नहाए हुए कम से कम 15 दिन हो गए थे और उनके शरीर से इतनी गंदी गंदी बदबू आ रही थी, उसने खुद अपने आप बताया। तो ऐसे करते 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 काफ़ी वो लोग पोलैंड के नहर के किनारे पहुंच गए, यानी कि 15-16 दिन के बाद वो नहर के किनारे पहुंचे। पोलैंड से अगर नहर क्रॉस करोगे वहाँ आगे जर्मन आता है। तो जो बच्ची उनके साथ थी, लास्ट में उन्होंने बच्ची को उनकी माँ को दिया,
माँ को बोला कि अभी हम लोग यहाँ से नहीं बच्ची को ले जा सकते, आपको खुद अपनी बच्ची को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पोलैंड से हम लोगों को नहर क्रॉस करनी है और नहर हम बच्ची के साथ नहीं क्रॉस कर सकते। तो उसको उन्होंने बच्ची को हैंडओवर दिया। उसको देने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप लोगों को ये नहर को क्रॉस करना है। नहर कोई 100-150 मीटर चौड़ी नहर थी जिसको उन्होंने क्रॉस करना था। तो वो नहर की भी कहानी ऐसी है कि वहाँ पर काफ़ी जो इलीगल से जर्मन के अंदर एंट्री गए उस नहर के नीचे अंदर से निकलते हुए, तो वहाँ पर भी काफ़ी नहर में बंदे डूबे हैं। अभी तक उनका कुछ पता नहीं लग सका है। तो मैं थोड़ी सी कहानी को वापस लेके जाता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि जब हम जंगलों से निकल रहे थे तो रास्ते में इतनी जनता के पिंजर पड़े थे, लाशें पड़ी थी, कोई आधी खाई हुई जानवरों की लाशें पड़ी थी वहाँ पर, काफ़ी कुछ देखने को उनको मिला जिससे उनका दिल इतनी बुरी तरह डर गया कि क्या जरूरत थी यार, नहीं आना चाहिए था हम लोगों को, हम ऐसे ही बातों में आकर ऐसा काम कर चुके हैं। मगर वो ना तो पीछे जाने लायक थे ना आगे जाने लायक थे, मगर उन्होंने बोला चलो मरना ही है तो देखी जाएगी, अभी हम आगे ही बढ़ते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने जंगलों के अंदर काफ़ी लोगों की लाशें देखी और धीरे 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 करते वो पोलैंड की नहर के किनारे पहुँच चुके थे वो। तो अभी वहाँ से जो नहर क्रॉस करना था, नहर की ये कहानी थी कि नहर का जो पानी था उसको क्या करते थे कि वहाँ पर एक बांध था जहाँ पर हर 5 मिनट के बाद उस बांध से पानी को छोड़ा जाता था, जिससे पानी का प्रेशर बनता था और वो उसके रास्ते में आने वाली चीज़ को बहा के ले जाता था। तो डोंकरों को पता था पानी कब छोड़ा जाएगा, कब इसमें कैसे पार किया जाएगा। तो डोंकरों ने उनको बताया कि आप लोग 7 आदमी ध्यान रखना कि 7 आदमी आप लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं, अगर किसी ने भी हाथ छोड़े तो आप लोग 7 आदमी ख़त्म हो। तो ऐसे ही करते 7-7 आदमी निकले। बोला मेरे जो पानी था, जो हाइट जिसकी थी वो तो चलो थोड़ा ऊपर हो गया, मगर जिसकी हाइट नीचे थी वो पानी में डूबता हुआ चला गया। तो उन्होंने जैसे ही पानी का प्रेशर छोड़ा तो ये बिल्कुल सेंटर में थे बंदे, तो इनका एक बारी पैर निकल गया। पैर निकला तो इन्होंने, एक अच्छी बात थी कि इन्होंने किसी का हाथ नहीं छोड़ा और 5-7 मिनट के बाद इनके पैर लग गए नीचे और जिससे वो उन्होंने नहर को क्रॉस कर दिया। तो ऐसे करते करते नहर को उन्होंने क्रॉस किया। तो बात ऐसी है कि आगे वो जर्मन में एंट्री करके वहाँ से उनको कुछ पंजाबी मिले और टैक्सी ड्राइवर, उन्होंने उनको देखा कि इनकी हालत को देखा और उनको गाड़ी में बिठाया। तो वहाँ नज़दीक जो गुरुद्वारे थे उनमें उनको ड्रॉप किया। वहाँ से जब वो गुरुद्वारे में रहे, उनको देखा गया गुरुद्वारे वालों ने कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनके तो फोड़े फिंसियाँ बहुत हुई हैं। उन्होंने मेडिकल इलाज उनका किया वहाँ पर और उनके कपड़े बदले, उनको नहलाया धुलाया, उनको वहाँ पर काफ़ी दिन रखा जिससे उन लोगों को तसल्ली हुई और वो लोग को जो उन्होंने काफ़ी दिन से खाया पिया नहीं था उसकी वजह से उनके शरीर में थोड़ी सी जान आई। तो बात दोस्तों अभी बात ये आती है कि हम लोगों को क्या इलीगल तरीके से ये डोंकी लाने की क्या जरूरत क्या है। अगर नहीं आता यार, हम लोगों को भगवान ने जीवन एक बार ही दिया है, अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए, अपने भाई बहनों के साथ रहने के लिए। हमारे जो संबंध है ना माई रिश्तेदारों से, हमारे माँ बाप से, हमारे भाइयों बहनों से बहुत गहरा संबंध होता है। अगर हम पैसे के लिए, जो कि जिसने हमारे साथ जाना भी नहीं है उसके लिए हम इतना मर रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ कि जीवन ही उससे चलता है, मगर क्या है कि यार इंसान वो भी है जो आधी रोटी खाकर भी गुजारा करता है और इंसान वो भी है जो पूरी रोटी खाकर भी गुजारा करता है। तो मगर ऐसी भी क्या जल्दी है कि हम लोगों को ऐसे समय से गुजरना पड़े जिसकी हमने कभी ज़िंदगी में कल्पना ही नहीं की थी। और ऐसा ना हो कि आप लोग जा रहे हो इलीगल तरीके से और वहाँ पर आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए जिससे आप ज़िंदगी भर क्या कभी भी आप अपने परिवार को ना मिल सको। तो परिवार वाले ने सोचा कि मेरा तो बच्चा या मेरा भाई या मेरा जो रिश्तेदार है वो तो भाई जर्मन पहुंच गया है, हम लोगों को भूल गया है, ना कोई चिट्ठी डालता है ना कोई टेलीफोन करता है, मगर उनको असली बात का पता नहीं है कि वो रास्ते में ही मर गया है,
उसके साथ क्या कंडीशन हुई है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। उनको एक ही होता है कि वो हम लोगों को भूल चुका है। तो आप लोगों को विश्वास नहीं आता है तो आप अपने नज़दीक जो इलीगल तरीके से इंट्री करते हैं, जो जर्मन या अमेरिका गए होंगे इलीगल तरीके से, जो बहुत पहले से गए होंगे, अभी नहीं जा सकते हो आप लोगों, ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, कहते हैं अभी आप एजेंट से मिलकर ये काम कर दो और उसके बाद आप पछताते रहो। मगर अभी मत ऐसे काम करना, आप लोग जाना है, आपकी कर्मों में लिखा है, आपकी किस्मत में लिखा है बाहर की रोटियां खाना, अब बाहर कमाना तो आप ज़रूर जाओगे, ऐसा नहीं है, मगर लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। तो मत ऐसे काम करो जिससे आपके माँ बाप पूरी तरह आपका रास्ता देखते रहें, मगर आप पता नहीं बोलना चाहिए मेरे को कि रास्ते में आपके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। तो दोस्तों मत ऐसे काम करना, और आप लोगों को बता दूं कि अभी इलीगल वाला तरीका बंद हो चुका है। कोई भी एजेंट आपको बोलता है मैं आप लोगों को दो नंबर में भेज देता हूं, और आपको एजेंट बोलता है नहीं आप लोगों को मैं भेज दूँ कोई बात नहीं, आप लोगों के इतने पैसे लगेंगे, मगर क्या है कि आप लोगों नहीं मत जाना, क्योंकि वो बताएगा कुछ होगा कुछ वहाँ पर। उसके बाद क्या है कि उसने एक कहानी और बताई न्यूज़ चैनल पर कि अगर जिस बंदे के पैसे पूरे नहीं पहुँचते थे तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था उनको बुरी तरह से, उनके हाथों को टेबल पर रख के कांच की बोतलें मारी जाती थी, और उनको खाना भी नहीं दिया जाता था, उनको अगर पैसे फिर भी नहीं पहुँचते तो वो उनको जंगल में ले जाकर नीचे खाई में फेंक देते थे, या कैसे उनको आउट कर देते थे, जिससे वो ना उसको तो रास्ते का मालूम नहीं भी कहाँ पर जाना कि कहाँ पर नहीं जाना, डोंकर को सारा रास्ता मालूम होता है किस तरीके से बाहर निकलना है किस तरीके से अंदर जाना है। तो दोस्तों मत ऐसा करो, 15-20 लाख 25 लाख रुपया खर्च करके आप इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो यहाँ से अच्छी है कोई दुकान खोल लो इतने पैसे की, या कोई ऐसा बिजनेस कर लो। यार बिजनेस इंडिया में बहुत है, मगर क्या है कि हमारा जो मन है करने के लिए नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों को जो दिमाग में एक बात घुसी है फॉरेन कंट्री वाली, ये कभी किसी के दिमाग से क्लियर नहीं होती है। माँ बाप अनजान होते हैं इन चीज़ों से, कभी उन्होंने वास्ता नहीं पढ़ा होता तो वो तो बोलते चलो हमारे बच्चा उज्जवल भविष्य के लिए जा रहा है, मगर क्या है कि जो जाने वाला उसको भी गुमराह किया जाता अच्छी तरह। मगर यह जाने वाला बंदा जो जा रहा है उसको इतना तो पता है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर चेक कर सकता है, यार इलीगल तरीके से डोंकी लगाने से जो बंदा जाता है उसके साथ क्या क्या होता है, वो कैसे वहाँ पर कैसे कैसे कारनामे उनके साथ होते हैं, कैसे जंगली जानवर उनके पीछे पड़ते हैं, लुटेरे उनके पीछे पर जाते हैं, और खुदा ना खास्ता उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है उनको रास्ते में ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों ये मेरी एक वीडियो थी छोटी सी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि दूसरे बंदों तक भी पहुंच सके जो ये इलीगल वाला काम कर रहे हैं, उनकी आंखें खुल सकें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो ज़रूर लिख ही देना, आप लोग लाइक कर देना शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।